इधर रोहतक में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। 511 सैंपल्स में थे 31 कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं 189 लोगों को अभी तक अपनी रिपोर्ट का इंतजार है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 176 हो गई है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लोगों को भीड़ से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। और रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दागी हमारे साथ सीधे बने हुए हैं इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। देवेंद्र, रोहतक जिले में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तमाम एहतियात के बावजूद रोजाना हमारी आपसे बात भी होती है इस सिलसिले में। जितने सैंपल्स भेजे गए जांच के लिए, 511 सैंपल्स में से 31 पॉजिटिव निकले हैं, ये वाकई फिक्र बढ़ाने वाली बात है। देवेंद्र, कैसे काबू में होगा इस तरह? देखिए मुमताज, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इसी तरह अगर चलता रहा तो ये स्थिति आगे बिगड़ने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। इसका कारण है, इसका एक वाजिब वजह है जो मैं ये कह रहा हूँ कि स्थिति बिगड़ सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक बयानबाजी तक सीमित है, कोई कड़ाई करने में पता नहीं क्यों परहेज बरता जा रहा है। रोजाना प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सलाह दी जाती। सलाह के अलावा उस सलाह पे अमल लोग कितना कर पा रहे हैं ये देखने वाला कोई अधिकारी यहाँ नज़र नहीं आता, ये बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा। कल की बात करें तो 31 पॉजिटिव केस हो रहे हैं और संख्या बढ़कर 176 हो गई है। करीब 250 मरीज यानी कि फिलहाल जिले में पॉजिटिव हैं और अधिकारी हैं जो सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करने तक सीमित हैं। रोजाना बताया जाता है कि हमने एडवाइजरी जारी कर दी है, लोगों को सलाह दी जाती है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। फिलहाल भी हम लोग हॉस्पिटल में खड़े हैं, सिविल हॉस्पिटल में, और यहाँ ये पूछने वाला तक किसी से कोई नहीं है कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, आप सोशल डिस्टेंस का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी बीच एक अपडेट ये भी आपको बता दूं कि एक हफ्ते के अंदर, पिछले अगर एक सप्ताह को देखें तो 2 मरीजों की PGI में डेथ हुई है जो बतौर कोविड पॉजिटिव यहाँ पर एडमिट करवाए गए थे। एक आदमी हिसार के रहने वाला था जो साथ में कैंसर पेशेंट भी था, उसकी डेथ हुई। कल एक लड़की जो थी 20 साल की लड़की है, PGI में एडमिट थी, सी ब्लॉक में ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी डेथ हुई। साथ में बता दूं कि कोविड पॉजिटिव वो चंद रोज पहले यहाँ दाखिल हुई थी, उसकी डेथ हुई है। 20 साल, महज सिर्फ 20 साल उम्र थी उस लड़की की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 साल की लड़की एक दम तोड़ देती है, कोविड पॉजिटिव थी वो। तो इससे स्थिति की गंभीरता समझी जा सकती है, लेकिन लोगों को पता नहीं, पिछली वेव को लोग शायद जहन से निकाल चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तबाही का मंजर हमने देखा है, तबाही का जो मंजर हमने फर्स्ट और सेकंड वेव में जो रोहतक में देखा है, लाशों के ढेर हमने यहाँ PGI में अस्पताल में देखे, लेकिन लोगों की अगर बात करें लापरवाह रवैया त्यागने को लोग तैयार नहीं है। और शायद यही कारण है कि लगातार कोविड केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को शायद कहीं ना कहीं, मुझे कहने में कोई दोराय नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन उतना गंभीर नजर नहीं आता जितना होना चाहिए। सिर्फ एक माइल्ड प्रभाव मान के हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना या सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करके अपने कर्तव्य को तकिया लगा के सो जाना, कहूंगा मैं इसे, ये सही नहीं है। जी देवेंद्र, हमारी एक बदकिस्मती ये भी है कि हम तब एहतियात बरतने पर उतारू होते हैं जब तबाही के मंजर सामने आने लगते हैं, जब बर्बादी की तरफ जाने लगता है, ये आंकड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि फिर उसको काबू करना मुश्किल होता है, और जब तक चीजें हमारे हाथ में होती हैं हम लापरवाह बने रहते हैं। जी बिल्कुल मुमताज, आपने सही कहा, हम लोगों की आदत खराब हो गई है। हम लोग तब जागते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। पिछली वेव में हम लोगों ने देखा है समय से नहीं संभले, अगर समय से व्यवस्था होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती सेकंड वेव में। अब जबकि लोग उस तबाही के मंजर को देख चुके हैं, उसके बावजूद लगातार केसेस जो रोहतक में बढ़ रहे हैं, 2 लोगों की डेथ होना, 20 साल की लड़की की कल डेथ हुई है PGI में, ये स्थिति की गंभीरता को दर्शाने के लिए काफी है। लोगों को लेकिन अवेयर होना होगा, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे यही सबसे बड़ा बचाव है। अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं सख्ती दिखाने की जरूरत है कि सिर्फ सलाह देने से, एडवाइजरी जारी करने से बात नहीं बनने वाली। जी बिल्कुल, फिक्र करते हुए अमली जामा पहनाना जरूरी है, तमाम एडवाइजरी को, तब जाकर काबू किया जा सकता है इस बढ़ते हुए आंकड़े को। देवेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।